संस्कृत दिवस के मौके पर आज जयपुर के रविंद्र मंच पर राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देववाणी संस्कृत ऐसी प्यारी भाषा है जिसने सदियों से देश को जोड़ने का काम किया है। ऐसे समय में जबकि देश में तनाव बढ़ रहा है और विश्वास में कमी आ रही है, संस्कृत ऐसी सशक्त भाषा है जो विघटनकारी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देकर आपसी सद्भाव को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं आने देगी। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं हो जिसको इस भाषा के माध्यम से जो हमारे देश के संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, उसकी नींव भी संस्कृत से निकली हुई है। इस रूप में भाषा बहुत अच्छी भाषा है। मुझे अफसोस रहेगा जिंदगी भर, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब दो सब्जेक्ट ऐसे थे, एक तो संस्कृत और एक इंग्लिश। तो मैं देखता ये मेरे क्या काम है ये जिंदगी के अंदर, तो मैंने कभी क्लास अटेंड नहीं करी संस्कृत की और इंग्लिश की। इंग्लिश की भी, इंग्लिश हमारे क्या काम आया, और उस वक्त हिंदी इंग्लिश का झगड़ा भी चलता था, तमिलनाडु से और राजस्थान या उत्तर भारत से और दक्षिण भारत, इंग्लिश पीछे रह गए। और संस्कृत इतनी प्यारी भाषा थी, तुम्हें माता तुम्हें पिता तक ही सीख रहे। संस्कृत से जी चुराने वाला व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना तो संस्कृत का प्रेमी बन गया। चाहे यहाँ पर हमारे बीजेपी के माइंडेड साथी बैठे हों, चाहे कांग्रेस साथी माइंडेड लोग बैठे हों, विचारधारा के कोई ऐतराज की बात नहीं, सच्चाई सच्चाई होती है, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा होती है, डेमोक्रेसी के अंदर लड़ाई विचारधारा की होती है कि कौन सी विचारधारा जन कल्याण के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम ज़्यादा कर सकती है। लड़ाई हमारी है, दुश्मनी किसी से नहीं होती है। और संस्कृत के विद्वान लोग भी समझाते हैं, संस्कृत के श्लोक भी संदेश देते हैं। आरएसएस के बारे में कहना चाहूँगा, इतना बड़ा संगठन है, उसको जल्दी 100 साल आने वाले हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, मुस्लिम लीग है वो मुस्लिम की बात करेगी। ये रास्ते एक सीमा तक जाके रुक जाते हैं और रुक जाएंगे, पर जो हमें संस्कार संस्कृति मिली है संस्कृत के माध्यम से, उसको हम अगर अपना लें, आत्मसात कर लें दिल के अंदर, तो फिर हमारे दिल में आएगा ही नहीं कि हम कोई जाति पाति धर्म के नाम पे बटे रहें। मैं इस सम्मान का सबसे ज़्यादा श्रेय संस्कृत भाषा को ही देता हूँ। यदि मैं संस्कृत भाषा नहीं पढ़ता तो मैं आज इस स्थिति में नहीं पहुँचता। मैं जब बचपन में था और जब मैंने मेरे पिताजी को ये कहा 5वीं पास करने के बाद मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, तो सब लोगों ने मेरे पिताजी को ये कहा कि नहीं नहीं, संस्कृत क्या पढ़ाओगे, संस्कृत पढ़ा के क्या कोई फेरे कराओगे, क्या और कुछ करें। मगर मैंने कहा नहीं, संस्कृत ही पढ़ूँगा। उस संस्कृत पढ़ने का परिणाम ये हुआ कि आज कम से कम 20-30 हज़ार मेरे पढ़ाए हुए शिष्य सारे राजस्थान में संस्कृत विभाग के अंदर हैं, और मेरे सारे बच्चों को मैंने संस्कृत ही पढ़ाई। मैंने मेरे ठिकाने वाले बच्चों को भी सबको संस्कृत पढ़ाई। एक बार रामनारायण जी चतुर्वेदी के निदेशकत्व में यहाँ ये जो छोटी चौपड़ पर जो बालिका विद्यालय है, इसमें एक प्रोग्राम था जिसमें सब मंत्रीगण आए हुए थे। उन मंत्रियों ने ये कहा कि आप लोग क्या संस्कृत पढ़ेंगे, आप लोग क्या संस्कृत का वो करेंगे, आप लोगों के सबके बच्चे संस्कृत आपके अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो रामनारायण जी ने मुझे सब हम खड़ा किया कि आप इनसे पूछो। जब मैंने बताया कि मैंने मेरे लड़कों को संस्कृत पढ़ाया, मैंने मेरे सारे ठिकाने वालों को संस्कृत पढ़ाया। आपकी एज क्या है अभी? मैं 82 साल का हो गया हूँ।